ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का आज शाम 5 बजे सिंधिया छतरी में राजसी परंपरा के तहत अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह दिल्ली से ग्वालियर लाई गई। यहां रानी महल में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में सिंधिया राजवंश की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह राजमहल के रानी महल में रखा गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। उन्होंने भी राजमाता के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि राजमाता के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है। सिंधिया परिवार के साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग पूरा मध्य प्रदेश शोकाकुल है। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं राजमाता के हम सब छोड़ के चले जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है। सिंधिया परिवार के साथ साथ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग और पूरा मध्य प्रदेश शोकाकुल है। उनके चरणों में श्रद्धांजलि और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस गहन दुख माँ की छाया बहुत बड़ी छाया होती है। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को शक्ति ईश्वर दे कि उस गहन दुख को सहन कर सके। ताकि सुमन मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें अर्पित करता हूँ। हम सबके लिए दुख की घड़ी है कि राजमाता जी हमारे बीच में नहीं है और ऐसे दुख की घड़ी में हम सब सिंधिया परिवार के साथ खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में स्वर्गवासी वो स्थान दे और उनके ऊपर जो इतना बड़ा वज्रपात हुआ है भगवान उन्हें माननीय सिंधिया जी से लेकर के पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे। उन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। युवा मोर्चे में काम करते थे तब पूज्य राजमाता साहब की उस अंत्येष्टि के समय में मैं उपस्थित था। आज फिर सिंधिया परिवार की राजमाता पूज्य राजमाता की संत दुख के घड़ी में हम सब यहाँ पर सिंधिया परिवार का दुख बांटने के लिए और उस शोक के क्षण पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वरिष्ठ नेता और जिम्मेदार मंत्री हैं। ईश्वर उनको संबल दे ताकि ये सिंधिया परिवार की गौरवशाली परंपरा का जो बोझ उनके कंधों पर आया है उसका वो निर्वहन कर सके। मैं राजमाता के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।